यार बिबिन, अली एक्सप्रेस से मैंने एक पार्सल मंगवाया था यार। मतलब पता नहीं इंडियन कस्टम्स वाले मतलब सैंक्शन करेंगे, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्या सीन है? आ गया पार्सल। क्या बात कर रहे हैं? अभी जस्ट आया। क्या बात कर रहे हैं? लो पकड़ो। वो भाई चाइना वाला पार्सल है। ऐसा है, पहले तो सैनिटाइज करो भाई, हाथ को लगा, यहाँ पे भी लगा, ग्लव्स पहनो, मास्क भी पहनो, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी इस पार्सल को भी कैसे हाथ लगाओ, इसको भी सैनिटाइज करते रहो। ऐसे गाइस सैनिटाइज करना चाहिए, पार्सल को चाइना से आया है। ओके गाइस, अभी ये डिसइंफेक्ट हुआ है एंड लेट्स फाइट कोरोना। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में, जो है अली एक्सप्रेस, गेयर बेस्ट और कई सारे और वेबसाइट्स हैं जहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं यूजुअली प्रोडक्ट। सो गाइज, मैंने अली एक्सप्रेस पे फैब एंडिंग में एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और मुझे नहीं पता मतलब प्रोडक्ट रिसीव होगा नहीं रिसीव होगा, क्योंकि मुझे टेंशन था कि कोरोना वायरस की वजह से पता नहीं कैसा प्रोडक्ट, अगर वो लोग शिप भी करते हैं तो एयरलाइंस एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कस्टम वाले हेल्ड करेंगे नहीं करेंगे, और गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बताना चाहता हूँ, बट ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली क्या हुआ। सो मैंने पहले तो प्रोडक्ट को परचेस किया वहाँ से, फिर मेरे को सेलर का मैसेज आया कि मतलब थोड़ा डिले होगा शिपमेंट में, तो मेरे को लगा वैसे भी पैसे बर्बाद ही होंगे, तो मैंने उसको बोला मेरे को रिफंड दे दो, तो उसने बोला सर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, हम लोग प्रोडक्ट शिप करेंगे। सो गाइज, एक हफ्ते के बाद उन्होंने प्रोडक्ट को शिप किया, सो एयरलाइंस ने भी उसे एक्सेप्ट किया एक दो दिन में ही, और शिपमेंट इन ट्रांजिट डिपार्टेड टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, ऐसे मैसेज कम से कम मुझे 15 दिन तक आ रहे थे। और गाइस उसके बाद फाइनली आया कि अराइव्ड इन इंडिया एंड हेल्ड इन कस्टम्स, तो मेरे को लगा अभी कस्टम वाले तो हेल्ड करके इसको आगे भेजेंगे नहीं क्योंकि ये चाइना से आया पार्सल। बट गाइस एक दो दिन में ही कस्टम से भी वो पार्सल क्लियर हुआ, फिर लोकल पोस्ट ऑफिस में आया और फाइनली मुझे ये डिलीवर हो चुका है। और गाइस लोग टेंशन ले रहे कि मतलब इसके ऊपर कोरोना वायरस होगा। गाइज, जब भी कस्टम्स में कोई भी छोटा पार्सल आता है ऐसा, या फिर कितना भी बड़ा पार्सल आता है कुरियर से या फिर कार्गो से, तो सबसे पहले वो लेज़र स्कैनिंग में जाता है। अगर वो शिपमेंट शिप से भी आता है, मतलब बड़े बड़े कंटेनर से भी आता है, तो पूरा कंटेनर स्कैन किया जाता है। सो गाइज, इसके ऊपर जो छोटे पार्सल है इसके ऊपर जो वायरस है वो नहीं रहता है लेज़र स्कैनिंग की वजह से। सो गाइज, ये तो काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है तो इसका लेज़र स्कैनिंग होगा, लेज़र स्कैनिंग के बाद कोई भी वायरस इसके ऊपर नहीं रहता है, सो कोरोना वायरस भी नहीं रहेगा। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि अली एक्सप्रेस से क्या प्रोडक्ट रिसीव होंगे, बैंगलोर से क्या प्रोडक्ट रिसीव होंगे, तो जी हाँ ज़रूर रिसीव हो गए और यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं अली एक्सप्रेस ऐप में, और गाइज ऐप में जाने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं माय ऑर्डर्स में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हे बैंड प्लस 1S ऑर्डर किया था। और अभी हम जाते हैं ट्रैकिंग में, तो ट्रैकिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो शिपमेंट जो है सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। तो पहले हम यहाँ पे नीचे लॉजिस्टिक डिटेल्स देखते हैं, तो आप देख सकते हो जो शिपमेंट है वो डिस्पैच किया था 29th फेब को, मतलब फेब एंड में, फेब का जो लास्ट डे था तभी उन्होंने शिप किया, और सेकेंड डेट को जो शिपमेंट है वेयर हाउस में पहुँचा उनके, और फिर थर्ड को शिपमेंट को एक्सेप्ट किया एयरलाइंस ने, और उसके बाद थर्ड को ही मैसेज आया कि मतलब डिपार्टेड टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, और उसके ऑलमोस्ट 15 दिन बाद मतलब 16th मार्च को मुझे मैसेज आता है अराइव्ड एट डेस्टिनेशन कंट्री, फिर उसके बाद हेल्ड बाय कस्टम्स भी मुझे मैसेज आया। बट गाइज दूसरे दिन आया कि कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कस्टम से क्लियर हो चुका है और सक्सेसफुली मुझे ये डिलीवर हो चुका है, 19th को मुझे ये पैकेज डिलीवर हुआ। सो गाइज, जितने भी सारे ऑर्डर्स है अगर आप अली एक्सप्रेस गेयर बेस्ट से ऑर्डर कर रहे हो तो आपको डिलीवर हो जाएंगे। बट गाइज अभी का सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अली एक्सप्रेस या फिर कोई भी इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका जो सेलर है वो ऑर्डर को शिप करेगा, एयरलाइंस भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नो इशू, लेज़र स्कैनिंग से जाता है। बट गाइज इंडिया में जैसे ही वो आ जाता है, अभी आप देख सकते हो पूरा इंडिया बंद हो चुका है, सारे शॉप्स, सारे जितने भी सारे शिपमेंट कंपनीज थे, जो आपका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो भी कम्प्लीटली बंद हो चुका है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो गाइज इंडिया में आने के बाद कस्टम्स में ही आपका जो प्रोडक्ट है वो रह सकता है, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा नहीं रहेगा। बट गाइज जैसे ही सारे जो भी वर्क स्टेशंस है, जितने भी सारे लॉजिस्टिक है वो रीस्टार्ट हो जाता है, तभी आपका पार्सल आपके पास आ सकता है। बट गाइज फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मतलब अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, बट गाइज फिर भी रिस्क क्यों लेनी है, मत करो ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर करने के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही आएगा और पता नहीं चाइना से आ रहा है, लेज़र स्कैनिंग में भी मतलब एक थोड़ा सा माइंड में रहता ही है कि मतलब कुछ तो हो कुछ ना हो।
सो गाइज बेटर यही सजेशन होगा, जब तक पूरा सिनेरियो शांत नहीं होता तब तक प्लीज़ ऑर्डर मत कीजिए, उसके बाद तो आप ऑर्डर कर सकते हो जैसे लॉजिस्टिक टर्न ऑन होता है। सो गाइज फाइनली अभी मुझे ये पार्सल तो डिलीवर हुआ है तो इसकी अनबॉक्सिंग तो बनती है, तो अनबॉक्सिंग आई है इस कुछ ही दिन में इस ब्रांड की। और गाइज बस यही मैसेज आपसे कन्वे करना चाहता था कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स वर्क कर रहे हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ऑर्डर करना है नहीं करना है। सो गाइज बस यही था आज का ये वीडियो का कंटेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और गाइज स्टे सेफ, आप ग्लव्स पहनो, जो भी मास्क है उसे पहनो, और गाइज लेट्स फाइट करो ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.